मंच पर उपस्थित मैं सबके नाम तो नहीं लूंगी, कितने सारे लोग हैं और आप लोगों का टाइम, सो इसलिए इस मंच पर उपस्थित हमारे सब आदरणीय संत महात्मा गण, मैं आप लोग सबको प्रणाम करना चाहती हूँ। आपका आशीर्वाद हम सब लोगों पर बना रहे। इस मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री श्री भजन लाल जी, निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष माननीय सीपी जी, सह प्रभारी हमारी आदरणीय विजया जी, इस मंच के ऊपर बैठे हुए हमारे उप मुख्यमंत्री श्रीमती दिया कुमारी जी और प्रेमचंद जी बैरवा, राष्ट्रीय मंत्री अलका जी गुजर और हमारे सब कार्यकर्ता पदाधिकारी बंधु, मेरे सामने बैठे हुए एमएलए साहिबान, कुछ एमपी साहिबान, अलग अलग जिले के सब हमारे कार्यकर्ता बंधु, उन सबको मैं आज के शुभ दिवस पे प्रणाम करती हूँ, आप सबका यहाँ स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष श्री मदन जी राठौड़ को बधाई, बहुत सारी बधाई देना चाहती हूँ और मैं आप लोग सबसे ताली बजाना चाहती हूँ, जोर से हाथ ऊपर करके सब लोग पीछे तक। मुझे मालूम है कि बरसात का मौसम है, मुझे ये भी मालूम है कि आप लोग बहुत देर से इस गर्मी में बैठे हो, परंतु दोनों हाथ ऊपर करके ताली बजाने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, जरा बताओ तो सही। जोर से मदन जी राठौड़ का आप सबकी ओर से मैं बधाई इस मंच पर देना चाहूंगी। साथ ही राजस्थान के सह प्रभारी विजया जी को मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। इन्होंने राजस्थान संगठन का एक बहुत महत्वपूर्ण दायित्व सौंपा है, उनके हाथ में आया है। साथ में हमारे नए प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन जी हमारे बीच में है नहीं आज, उन्होंने बताया था कि मैं नहीं आऊंगा क्योंकि मुझे एक दूसरे काम में जाना था, परंतु हम सब की ओर से आप विजय जी उन तक ये बात पहुंचाने की बात करोगे कि हम सब की ओर से उनको भी बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इस मंच के माध्यम से आज याद दिलाना चाहूंगी और आपके द्वारा मैं पंजाब के राज्यपाल, चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय गुलाब जी कटारिया और सिक्किम के राज्यपाल श्री ओम जी माथुर, इनको भी हम सब की शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूंगी, जिनकी काबिलियत की वजह से उनको इतनी बड़ी जिम्मेदारी मिली है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी और हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डा जी के साथ साथ पूरे केंद्रीय नेतृत्व को मैं आभार देना चाहती हूं कि मदन जी जैसे संगठन के एक कर्मठ, सेवाभावी, संस्कारी और सरल ईमानदार कार्यकर्ता को देश के सबसे बड़े प्रदेश राजस्थान की भाजपा के कमान सौंपने का काम उन्होंने किया है। मुझे मदन जी पर भरोसा है और आपने सुना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी का मंत्र, सबका साथ सबका विकास, सबका और सबका, ये जो थीम है ये मदन जी के हाथ में सौंपने का काम उन्होंने किया है। मैं विश्वास करती हूँ कि ये थीम को आगे बढ़ाने का काम वो करेंगे और सबको साथ लेकर आगे बढ़ाने का काम एक बहुत मुश्किल काम है और बहुत सारे लोग फेल भी हुए हैं, परंतु मैं आपको ये कहना चाहूंगी कि मुझे विश्वास है कि इस काम को आप पूरी तरह से लगकर जमीन पे लाने की कोशिश ही नहीं परंतु अच्छी तरह से अपना दायित्व निभाने का काम करेंगे। इस अवसर पर मैं हमारे निवर्तमान अध्यक्ष माननीय सीपी जोशी जी को बधाई भी देना चाहूंगी और हम सब की ओर से बहुत सारी धन्यवाद भी देना चाहूंगी। ये मुश्किल काम को उन्होंने
कई सालों तक निभाया और सफलतापूर्वक उसको जमीन पर लाके अपने काम का निर्वहन करने का प्रयास ही नहीं, सक्सेसफुली उसको जमीन पर लाने का काम किया। आपको हम सब की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। मदन जी ने मेरे साथ काम किया भी है, मैं उनकी कार्यशैली को समझती भी हूं, जानती भी हूं। ये धैर्यवान और कर्मठ कार्यकर्ता है। अगर धैर्यवान नहीं होते तो इतने दिन तक पार्टी के ऊपर विश्वास करकर मेहनत करके हाथ बटाने का काम नहीं करते। और आज आप राज्यसभा के मेंबर ही नहीं हो, परंतु उसके साथ साथ सबसे बड़े प्रदेश इस देश के राजस्थान के आज अध्यक्ष भी बन चुके हो। ये उसी धैर्य का काम, उसी धैर्य का परिणाम है कि आज इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको मिली है। राजनीति के अंदर अब मैं कुछ ये भी, राजनीति के का दूसरा नाम जो है ना वो है उतार चढ़ाव। महाराज, हर व्यक्ति को इसी दौर में से गुजरना पड़ता है, पर हर व्यक्ति के समक्ष जब इस चीजों के बारे में सोचता है तो तीन चीज ध्यान में आने की जरूरत है। महाराज, ये तीन चीज का बना होता है, पद, मद और कद। ये तीन चीज है जिसके ऊपर अपने सबको ध्यान देने की जरूरत है। आप सब जानते हैं कि पद और मद ये तो स्थाई है नहीं, परंतु एक ही चीज है और वो है कद। जो अगर आप अच्छा काम करते हो तो उस काम को लोग याद करते हैं और कद फिर आपके साथ बना ही रहता है। मैं इसलिए आपको ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि पद का मद हो जाता है तो उसका कम तो कद जो होता है वो कम तो हो ही जाता है। आज के दौर में ये होता रहता है, परंतु मैं जानती हूं कि वो आपके सामने आज एक ऐसे कार्यकर्ता हैं जो कभी पद का मद नहीं करेगा और आप लोगों को सराखों पे लेकर आगे चलाने की बात करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगा। ऐसे ही व्यक्ति की हमारे पार्टी को जरूरत थी और आज इसी वजह से इतनी बड़ी पार्टी हमारी पार्टी दुनिया के अंदर बनी है और इसी वजह से इतनी बड़ी जिम्मेदारी प्रदेश अध्यक्ष को दी जाती है। आपको मालूम है कि इस मेरे ध्यान में सबसे बड़ा पद जो है वो है जनता की चाहत, वो है जनता का प्यार, वो है जनता का विश्वास। और ये ऐसा पद है जो आपसे कोई नहीं छीन सकता। अगर आप जनता के साथ लगोगे, अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलोगे, तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ये पद पर आप काबिल रहोगे, आप रहोगे वहां। परंतु इस पद के मद को अपने को नहीं लाने की जरूरत है और कद अपने आप आपके पास आएगा। यहां बहुत सारे कार्यकर्ता बैठे हुए हैं। मुझे बहुत सालों से कार्यकर्ताओं के साथ रहने का, मिलने का, काम करने का मौका मिला, यह मेरा सौभाग्य है। आज इन सब कार्यकर्ताओं की वजह से, ये तो बहुत कुछ बैठे हैं, परंतु बहुत बड़ी संख्या में ऐसे भी हैं जो शायद यहां नहीं हैं। मैं आपको ये याद दिलाना चाहती हूं कि उन सब की मेहनत की वजह से आज भारतीय जनता पार्टी इतनी बड़ी पार्टी बन गई है। इनका कारण है, एक बहुत बड़ा कारण है, जो अटल जी बार बार हमको समझाया करते थे कि हमारा कार्यकर्ता वो है जिसने सब कुछ समर्पित कर दिया है इस पार्टी को, वो संस्कारित कार्यकर्ता है। ये गुण इनको इनके अंदर एक दिन के अंदर नहीं आया है, ये पूरे जीवन खपा बैठे हैं। इन्होंने पीढ़ियां गुजार दी, क्योंकि बड़े उनके पापा, उनके बेटा और बेटे का बेटा, ये सब लोग पार्टी के अंदर साथ काम करते रहे। इसलिए हमारा कार्यकर्ता धन से नहीं, मन से काम करता है और इस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है।
ये आंधी में, ये तूफान में निस्वार्थ भाव के साथ विचारधारा की मशाल को लेकर आगे बढ़ता जाता है। यह है वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिसके ऊपर हम सबको गर्व है, और मुझे गर्व इस बात का है कि मैं भी इस बहुत विशाल परिवार के एक सदस्य मुझे बनने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ है, एक बहुत बड़ी बात है। ये कार्यकर्ता वो कार्यकर्ता है जिनके साथ श्यामा प्रसाद जी मुखर्जी चले थे, पंडित दीनदयाल जी चले थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी चले थे, अडवाणी जी चले थे, राजमाता साहब चली थी, भैरव सिंह जी चले थे, और उनके साथ अनन्य लोग थे जिन्होंने इस पार्टी के लिए अपने कार्यकर्ताओं को साथ चल के इस पार्टी को एक विशाल परिवार बनाकर आज इस देश के अंदर राज करने का को काबिल बनाने का काम किया है। ये वो है भारतीय जनता पार्टी जिसके ऊपर हम सबको गर्व है। मैं आज ज्यादा आप लोगों का समय नहीं लेना चाहती हूं, इतना ही दिलाऊंगी याद कि ये हमारे पार्टी है, खाली पार्टी नहीं है, ये हमारा परिवार है। हम इससे आगे किसी चीज को नहीं जानते, हम इससे पीछे किसी चीज को नहीं जानते। हमारे मन में अगर खटका भी आता है तो हम उस चीज को पी भी लेते हैं, क्योंकि हम मानते हैं कि इस दुनिया के अंदर सबसे बड़ी हमारी पार्टी है, और उस पार्टी को आगे ले जाने का काम हम लगातार हमेशा मिलकर करते रहेंगे। आज आपके हाथ में एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है मदन जी, मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहती हूं, पर इतना ही जरूर कहना चाहूंगी, ये आपका परिवार है, आप इनको संभालिए, एक बहुत बड़ा आपके ऊपर दायित्व है, आप इनको उसी प्यार के साथ आगे ले जाइए, इस परिवार को जोड़िए। और इतना ही याद दिलाऊंगी कि इनका कार्यकाल हमको सफल बनाना है, क्योंकि आगे समय में कोई भी जुट, सब लोग जुट के, कोई भी गुट को नहीं, एक ही मुख से और संगठन की कामयाबी को बनाने में, ले जाने में, खड़ा करने में मिलकर करेंगे। यही विश्वास के साथ आपने मुझे अवसर दिया, मैं उसका आभार प्रकट करना चाहती हूं। बहुत मुश्किल काम है सर, ये आसान भी नहीं है, है बड़े प्यारे सब, परंतु आसान नहीं है, ना आपके लिए है ना इनके लिए है, दोनों मिलकर आगे बैठकर के काम करने में पूरी तरह से काबिल हो जाएंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सबको बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्रणाम और बहुत सारा प्यार आपको देते हुए, जैसे हमेशा करती हूँ, आप सबको दिल से लगाकर यही विश्वास करती हूँ कि आपका भला होगा, आपकी सफलता रहेगी, और आप जहां जाओगे वो इस पार्टी को सफल बनाने में कभी पीछे नहीं रहोगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको।